इस वक्त हम पहुंचे हैं रावड़ी आवास के पास और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के तमाम विधायकों की बैठक अभी अभी खत्म हुई है। और बैठक खत्म होने के बाद सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी यात्रा को लेकर यह बैठक था और बैठक बिल्कुल मकर संक्रांति के बाद बेरोजगारी यात्रा निकलेगी। बैठक में मूलतः ये तय हो गया है। अभी दिनारा के विधायक ने बताया कि हर हाल में बेरोजगारी यात्रा होगा, क्योंकि जब जब हमारा यात्रा निकलता है किसी न किसी तरह से बिहार सरकार बंद कर देते हैं, कोरोना के नाम पर या किसी न किसी नाम पर उसे बंद करने की ऐलान करते हैं। लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय ले लिया है कि मकर संक्रांति के बाद बेरोजगारी यात्रा निकलेगी तो निकलेगी। इस संदर्भ में उन्होंने कई बातें भी बताया कि एक तरफ बिहार सरकार समाज सुधार यात्रा निकाल रही है और उसके बाद जब हमारा बेरोजगारी यात्रा निकल रहा है तो कोरोना जैसे संक्रमण के हवाला देकर उसे बंद करने की ऐलान किया जा रहा है। बेरोजगारी यात्रा को लेकर तैयारी की गई किस तरह से जिलेवार नेता प्रतिपक्ष की यात्रा होगी या किस तरह से हम लोगों तक बेरोजगारी यात्रा जो हमारा मकसद है बेरोजगारी को उसको हम किस तरह से सफल बनाएंगे उस कार्यक्रम को लेकर चर्चा। कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू वगैरह लगा दिए तो क्या करेंगे? कोरोना संक्रमण सरकार को तो पहले समाज सुधार यात्रा नहीं चलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं आपने भीड़ इकट्ठा करके उसको बढ़ावा दे दिया। अब जब बढ़ गया तो आप रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये तो पहले ही सरकार को सोचना चाहिए था कि हम इस तरह के गाइडलाइंस पहले आए तो सरकार ने क्यों नहीं पालन किया, इस सरकार को तो पालन करना चाहिए था। हाँ, गाइडलाइन ही नहीं, कोई गाइडलाइन जिस तरह से आता है कोविड का देखा जाए क्या उसका रूप रहेगा, लेकिन पार्टी तो हमारी पहले संगठन पहले हम लोग निर्णय नहीं तारीख का ऐलान यात्रा जो हमारे नेता तेजस्वी जी निकलेंगे बेरोजगारी यात्रा पर उसको हम लोग सफल बनाने के लिए हर जिला में हम लोग जा करके बैठक करेंगे और उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की हम लोगों को जिम्मेवारी मिली है। ये मकर संक्रांति के बाद जब हम लोग की यात्रा निकलती है तो सरकार हमेशा इसी तरह से कोरोना का हाला करके बंद करती है, लेकिन हम लोग निर्णय किया है कि हम लोग का यात्रा होगा, निकलेंगे और यात्रा को अब ऐतिहासिक होगा। अभी तो जो निर्णय तो यही हुआ है कि हम लोग यात्रा करेंगे और यात्रा को सफल बनाने के लिए हम लोग को जिम्मेवारी दी गई है, उस जिम्मेवारी को हम लोग निर्वहन करेंगे, नेतृत्व के आदेश का पालन करेंगे।